हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए क्लास टेंथ के इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज में आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। वो टॉपिक क्या है? तो आज का वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, दैट मींस इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, आपके घर में जो मीटर रन करता है उसकी बिलिंग कैसे होती है, जो इंस्टीट्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको कैसे पता चलता है कि आपके घर से कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, उसका मीटर को कैसे कैलकुलेट करता है, इन सारे कॉन्सेप्ट का आज डिटेल्स न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो में आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो इन सारे डिटेल्स को कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। इन सारे डिटेल्स को कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको ज्यादा डिटेल्स नॉलेज मिल पाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को टच करके वहां पे भी आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको आज के वीडियो समझने में काफी सावधान काफी हेल्प मिलेगी। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमेशा हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या है। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन क्या था? तो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनीबॉडी एंड बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाता है और बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम कहेंगे कि बॉडी में वर्क डन हुआ। ऐसा डेफिनेशन आपने क्लास नाइन में पढ़ा था। यहां पर है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट मीन्स जब किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट के द्वारा कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके कारण वहां पे जो आउटपुट हमें देखने को मिलता है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक वर्क डन। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं एक बल्ब जल रहा है, वहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। आप अपने घर में रूम हीटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। कूलर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। फैन यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एक्सेट्रा, इस तरह के मल्टीपल गैजेट्स आप यूज किए जा रहे हैं, इन सारे में इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वहां पर पावर हो रहा है। That means, अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क डन कंप्लीट किया जा रहा है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो चलिए हम लोग डिफाइन देते हैं। द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल गैजेट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन और एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, दोनों को फिर हम लोग कंबाइन करके कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो क्लास नाइन में आपने पढ़ा था एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी कहता है द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की क्षमता, कहते हैं आप में कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। अक्सर लोग चैलेंज करते रहते, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम में पावर है, इतनी क्षमता है, क्या इतनी एनर्जी है, एबिलिटी है। यस, दैट एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू रन एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को रन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको एक बल्ब चलाना है, एक पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, टीवी चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, इस तरह के मल्टीपल डिवाइसेस आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस क्यों काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंट होने के कारण काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सिंपली E से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा। आइए इसका देखते हैं एक्सप्रेशन। नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, यहां पे हम देख सकते हैं वी इंटू क्यू। इस एक्सप्रेशन का हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में यूज करेंगे वी इंटू क्यू का। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है। तो सिंपली हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब आपने इलेक्ट्रिक करेंट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या वही फॉर्मूला जो सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करेंट। यहां से आप Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, दैट मीन्स उस Q का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V इंटू आई टी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या ऑप्टेंड हो गया, E इक्वल टू V आई टी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नंबर वन। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट हमारा क्या है, जूल। और इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाट सेकेंड भी इसे लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है, अक्सर आप लोग बात बात में आ जाते हैं पावर, कहते तुम अपना बहुत पावर दिखा रहा है, ज्यादा पावर मत दिखाओ, इलेक्ट्रिसिटी भी अपना पावर दिखाता है, कौन सा पावर। तो भाई पावर की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ी थी, क्या था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो यहां पे बस आपको एक वर्ड लगा देना है, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम, बस रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर, नो टेंशन। द रेट ऑफ Doing electric work done is called electric power. उसे हम क्या कहेंगे, electric power. It is simply denoted by P. It is denoted by P and P is equal to formula, आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं पावर के लिए। अब इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो इसे डिराइव हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। वर्क डन का फॉर्मूला आपने यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट मीन्स वी आई टी, आप यहां पे यूज कर सकते हैं P इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, TT कंसर्न दैट मीन्स P इक्वल टू वी इंटू आई, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर का रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, अब आते हैं हम लोग इसका SI यूनिट देख लेते हैं, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, इसको सिंपली हम W से डिनोट करते हैं, W का मतलब यहां पे वाट है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूला को और किस किस फॉर्मेट में हम डिराइव कर सकते हैं, इसे और कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग इसके लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन और डेरिवेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले T इज इक्वल टू वी आई, और आपने ओम्स लॉ से स्टडी किया है क्या, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर। तो इस फॉर्मूला का हम यहां पे यूज करेंगे, V को रिप्लेस करेंगे आई आर के साथ, आई आर इंटू आई, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया जिसके फॉर्म में हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसे और कोई दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, तो चलिए चेक करते हैं। अब हमने फर्स्ट फॉर्मूला में अभी भी को रिप्लेस किया था, अब हम आई का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से आई इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, भी अपॉन आर। तो जब आई इक्वल टू भी अपॉन आर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू भी इंटू भी अपॉन आर, एंड दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमारा एक नया फॉर्मूला आप देख सकते हैं डिराइव हो गया है। पावर के तीन तीन फॉर्मूला यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, तीनों फॉर्मूला को आप बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीनों का यूज कहां करेंगे। लेट अस सपोज कि आपको पावर कैलकुलेट करना है, और पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास गिवन क्वांटिटी जो है वो वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी हुई है, लुब्रिकेंट्स बनाते समय पावर कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही इजी और सिंपल वे में उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास गिवन वैल्यू में वोल्टेज दिया हुआ है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में आप थर्ड फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही सिंपल वे में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि घरों में जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर आपके द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कंज्यूम करता है, उसका यूनिट क्या है, दैट मींस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड हो रहा है, इसकी मार्केटिंग हो रही है, ये किस यूनिट में होता है, किस फॉर्म में होता है, और कैसे आपके डिपार्टमेंट को पता चलता है कि हर एक घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो ये है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलो वाट आवर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये किलो वाट आवर क्या है, तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी, सबसे पहले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी क्या है। तो ये कहता है व्हेन ए डिवाइस of 1 किलोवाट run for 1 hour, then the electrical energy consumed by it is called 1 किलोवाट आवर। ओके, अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, हम इसे इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, दैट मीन 1000 वाट, ये आप सभी को पता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1000 वाट, एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स, ये भी आप सभी को पता है। अब इसे ऐसा यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 इंटू 1000, दैट मींस 36 और वहां पर आपके हो जाएंगे वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही हम
ऐसा यूनिट के फॉर्म में जूल कहते हैं। दैट मींस 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल, तो वाट सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं और उसे 10 के पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, ये जे जूल का सिंबल है। दैट मींस 1 kWh इज इक्वल टू, आप इसे जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप देख सकते हैं यहां मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 500 वाट runs for 2 hours, then calculate the energy consumed by it. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 500 वाट का है और उसे 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है, तो बताइए उस हीटर के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि इसे किलोवाट आवर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। दैट मींस पहले वाट को हम किलोवाट में चेंज करेंगे और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके टाइमिंग से। तो हम जानते हैं 1 kW सिंस 1000 वाट इज इक्वल टू 1 kW, देयरफॉर 500 वाट इज इक्वल टू 500/1000 kW और इसे डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.5 kW। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू 0.5 kW का हमारा हीटर था और इसे हमने 2 घंटे तक रन किया। दैट मींस 0.5 × 2 इक्वल टू 1.0 kWh। सिंपली आप इसे कह सकते हैं 1 यूनिट नॉर्मल लैंग्वेज में। दैट मींस आपके घर में इस रेटिंग का हीटर अगर 2 घंटे तक चलता है तो ये 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। अब आप यहां से अपने घर में कंज्यूम होने वाले बिजली के बेसिस पे उसका टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज अलग अलग एरियाज में अलग अलग कॉस्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का कॉस्ट पर यूनिट का अगर 4.50 रुपीज है तो उस रेशियो से इस हीटर के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इफ 1 यूनिट कॉस्ट रुपीज 4.50, देन इट्स बिल विल बी 1 यूनिट × 4.50 रुपीज और ये आपका आ गया ₹4.50। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में आप अपने घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कहां कहां आप बिजली को सेव कर सकते हैं, कहां पर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरीली यूज हो रहा है जिसे आप माइनस करेंगे, तो आपका एक छोटा सा योगदान इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बचाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और आपके इस छोटे से योगदान से देश के विकास में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली समझें, डेली लाइफ में यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जितनी हो सके अधिक से अधिक बचत करने का प्रयास करें और इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।